सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखें आइवेरिया शैम्पू। आइवेरिया शैम्पू का क्या कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन तक यूज़ किया जाता है, ये यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, ये यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होता है, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डाले गए और ये किस प्रकार काम करता है, और डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को क्यों रिकमेंड करते हैं। तो आयुर्वेदा शैम्पू के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या भी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं आयुर्वेदा शैम्पू, जो कि हमारे पास 30 ml का बोतल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 113 यानी कि 113 रुपये के करीब इसकी MRP है। आयुर्वेदा शैम्पू को अजंता फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नॉनसेंस कंपनी है और बहुत सारे डर्मा प्रोडक्ट भी बनाती है। आयुर्वेदा शैम्पू के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स डाला गया है जिसका नाम है आयुर्मेक्टिन 0.5% वेट बाय वॉल्यूम्स। आयुर्वेदा शैम्पू का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ हेड लाइस और परजीवी संक्रमण में किया जाता है। सरल भाषा में बताएं तो आयुर्वेदा शैम्पू का इस्तेमाल अगर आपके शरीर में कुछ लाइस वगैरह हुए हैं, यानी कि जूई वगैरह हुई है या फिर आपको इचिंग्स वगैरह हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदा शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदा शैम्पू को यूज़ करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपके शरीर में आपको इचिंग्स हो रही है, खुजली हो रही है या फिर जलन हो रही है या फिर आपके शरीर में लाइस वगैरह हुआ है, तो इसको यूज़ करने से वो सब निकल जाएगी। आयुर्वेदा शैम्पू को यूज़ करने का तरीका बताएं तो इसको आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं वैसे ही किया जाता है, यानी कि आयुर्वेदा शैम्पू जो कि 30 ml का बॉटल रहता है, इसको अपना थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने हाथ में लेने का, बाद में अपने सिर के ऊपर लगाने का और बाद में 5-10 मिनट के बाद रखने का, बाद में इसको धो लेने का, यानी कि नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं वैसे इसको यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदा शैम्पू को अल्टरनेट डे यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। आयुर्वेदा शैम्पू किस प्रकार काम करता है, आयुर्वेदा शैम्पू के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि आयुर्मेक्टिन एक्टोपेरासाइटिस नामक दवाई है, यह दवा कीड़ों की मांसपेशी और तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़कर उनके लकवाग्रस्त कर देती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह आपके संक्रमण का इलाज करता है। आयुर्वेदा शैम्पू आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। आयुर्वेदा शैम्पू को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट या अपने हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें या फिर उनसे एडवाइस लें, अपने शैम्पू का इस्तेमाल करें। अपने मन से आयुर्वेदा शैम्पू का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो आयुर्वेदा शैम्पू के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में मेल आई दिया है वहाँ पर बताएं। आयुर्वेदा शैम्पू का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।